शहर के ज्ञानचंद सिंघल नगर में रविवार भैरव मंदिर पर आयोजित फागोत्सव के दौरान पास ही में रहने वाले चिकित्सक दिलीप टाक द्वारा अड़चन डालने को लेकर क्षेत्रवासियों में रोष व्याप्त हो गया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि चिकित्सक ने कार्यक्रम स्थल पर आकर अभद्र भाषा का उपयोग किया तथा महिलाओं के साथ भी बदतमीजी से बातचीत की। चिकित्सक द्वारा किए गए दुर्व्यवहार से क्षुब्ध होकर क्षेत्र के पुरुष तथा महिलाएं वार्ड पार्षद सुनीता भाटी के नेतृत्व में डिप्टी ऑफिस पहुंची तथा चिकित्सक की शिकायत की। इस दौरान क्षेत्रवासियों ने बताया कि जब भी कोई धार्मिक आयोजन होते हैं तो चिकित्सक की ओर से अड़ंगा लगाया जाता है और कार्यक्रम में व्यवधान डालने का प्रयास किया जाता है। इस दौरान क्षेत्रवास की ओर से सिटी थाना पुलिस को एक लिखित शिकायत दी गई है। वार्ड पार्षद सुनीता भाटी ने बताया कि रविवार को ज्ञानचंद सिंघल नगर स्थित भैरव मंदिर पर फागोत्सव का आयोजन किया जा रहा था, जहाँ पर भजनों पर श्रद्धालुओं की ओर से खुशियां मनाई जा रही थी। इसी दौरान यहीं के रहने वाले चिकित्सक दिलीप टाक मौके पर पहुंचे तथा कार्यक्रम को बंद करने की बात कही। साथ ही क्षेत्रवासियों से अभद्र भाषा में बातचीत करते हुए महिलाओं के साथ भी बदतमीजी से बातचीत की। पार्षद श्रीमती भाटी ने बताया कि चिकित्सक द्वारा हमेशा ही ऐसा किया जाता है। संदर्भ में सिटी थाने के दीवान भीम सिंह ने बताया कि रविवार को पुलिस कंट्रोल से ज्ञानचंद सिंघल नगर में दिलीप टाक के मकान के पास तेज आवाज में साउंड बजने की शिकायत मिली थी। शिकायत पर पुलिस कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर तेज आवाज में बज रहे साउंड को बंद करवाया। कुछ देर बाद क्षेत्र की कुछ महिलाएं तथा पुरुष वार्ड पार्षद सुनीता भाटी के नेतृत्व में थाने पहुंचे था। उन्होंने डॉक्टर दिलीप टाक के खिलाफ क्षेत्रवासियों को परेशान करने की शिकायत दी, जिस पर शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ज्ञानचंद सिंघल नगर विकास समिति की ओर से फाग महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मोहल्ले वालों ने इकट्ठे मतलब अपने अपने स्तर पे जो भी पैसा इकट्ठा किया और एक अच्छा कार्यक्रम किया। इसके अंदर पास में एक डॉक्टर है दिलीप टांग, जिसको मतलब इतनी दिक्कत है, कोई भी सामाजिक प्रोग्राम होता है तो हमेशा वो मतलब मोहल्ले वाले को परेशान करने के लिए आ जाता है और थाने में फ़ोन कर देता है, जबकि ये एक धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का कार्य करता है। और महिलाओं को वहाँ आके बदतमीजी से बात की, अनशन बोले, गाली गलौज बोले, महिलाओं के मतलब अपशब्द बोले, जो कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति को अच्छी बात नहीं, शोभा नहीं देता है। इसलिए हम सभी महिलाएं और ज्ञानचंद सिंघल नगर के सभी पुरुष वगैरह मिलकर थाने में FIR लिखाने आए हैं, ताकि अपनी हरकतों से बाज आ जाए और आगे ऐसी हरकतें ना करें। कंट्रोल रूम से शिकायत मिली थी कि डॉक्टर दिलीप टाक के मकान के पास कोई साउंड बज रहा तेज आवाज में। इस पर गाड़ी रवाना की और जाके फिर साउंड रुकवाया, वापस आगे रुकवा गए। इसके कुछ देर बाद में वहाँ की महिला पार्षद और 10-15 एक महिला आई, तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि हे साहब, दिलीप साहब हमको वैसे परेशान करते हैं, बाकी फाग महोत्सव था उसमें थोड़ा स्पीकर बजा रहे थे बस। जो उन्होंने लिखित रिपोर्ट दी दिलीप टाक के खिलाफ, उसकी जाँच जारी है।